हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्यूरियस ब्रेन। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे नोट में डेथ ऑफ ह्यूमन। एनसीईआरटी में तो इन्हीं सब के बारे में मेंशन किया है। डाइफोडेंट, थेकोडेंट एंड हेट्रोडेंट, ये तीन तरह के डेथ होते हैं ह्यूमंस में। डाइफोडेंट फर्स्ट, तो डाइफोडेंट का मीनिंग होता है कि जो डेथ होते हैं तो टू सेट में ग्रो करते हैं, टू सेट। तो हम इसको पहला प्राइमरी डेंटिशन बोलेंगे, दूसरा है सेकेंडरी डेंटिशंस। प्राइमरी डेंटिशन मतलब कि फर्स्ट टाइम जो इसको हाँ ये टेम्पररी होता है और मिल्क टीथ भी बोलते हैं। और जो सेकेंडरी डेंटिशन होता है वो परमानेंट होता है और एडल्ट होता है, एडल्ट टीथ भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे बचपन में ग्रो करता है, ये हमारे एडल्ट टीनेज में ग्रो करता है। तो इसकी काउंटिंग होगी 20 और ये 32 होते हैं। 20 क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें प्री मोलर नहीं होते, इंसीशियर होते हैं, कैनाइन होते हैं, मोलर होते हैं। तो इंसीशियर 2 होते हैं, कैनाइन 1 होते हैं और मोलर होते हैं हमारे 2 होते हैं, ठीक है। इसमें कितना हुआ इसका 5 × 4 20 हुआ, ठीक है। और ऊपर नीचे साइड में, ठीक, 4। ये 32 क्यों हो गए? 20 मतलब ये जो होते हैं प्राइमरी में ये तो होते हैं, इसमें एक्स्ट्रा 12 कौन आते हैं? वो होते हैं हमारे मोनोफाइडेंट, ठीक। 12 जो आते हैं हमारे मोनोफाइडेंट, वो इसमें कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रीमोलर, 2 सेट होता है। दूसरा होता है थर्ड वन, 1 मोलर आता है एक्स्ट्रा, ठीक है। ये हमारा वर्ड हो गया। दूसरा है थेकोडेंट, ये होते हैं कि जो तित होते हैं शॉकेट में होते हैं। तित क्या होते हैं? वो एक शॉकेट में होते हैं, साइड वाले शॉकेट में, जानते हो ना, उसे कहते हैं। तीसरा है हेट्रोडेंट। हेट्रोडेंट मतलब होता है 4 टाइप के, ठीक है। इन सब के अलग अलग नाम है, इंसीशियर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। ये एक एक सिंगल सिंगल होते हैं। और ये जो होता है प्रीमोलर, अपर जॉ, लोअर जॉ, अपर जॉय में 2 होते हैं और लोअर जॉय में 1, और ये भी दोनों अपर जॉय लोअर जॉय में होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे डेंटल फॉर्मूला। ये 3-4 है डेंटल फॉर्मूला जो कैसे भी घुमा फिरा के इसका इस पर क्वेश्चन बनी जाते हैं। दूसरा है ये फॉर्मूला है डेंटल फॉर्मूला, ऊपर इंसीशियर, ठीक है, ये अपर जॉय का, लोअर जॉय का फॉर्मूला, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट, एडल्ट का सब।